हर बड़ा मुजरिम छोटे मुजरिम की मदद करता है, उसे बचाता है, उसे हौसला देता है, क्योंकि दोनों की लड़ाई एक ही समाज, एक ही सिस्टम के खिलाफ होती है। गैरेट अपनी बेटी एबिगेल को शिकार करना सिखा रहा है। शिकार करने के बाद दोनों अपने कैबिन में थे। गैरेट, हमें इसके हर हिस्से का सम्मान करना है, गैरेट आगे कहता है। इसका कोई भी हिस्सा वेस्ट नहीं जाना चाहिए। वो अपनी बेटी को हिरन का मीट काटना सिखा रहा था, लेकिन एबिगेल डर जाती है। गैरेट, इसको खाना ही इसका सम्मान है, नहीं तो ये कत्ल है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप इस कहानी को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपसे निवेदन है कि पहले इसका पार्ट 1 जरूर देखें, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में दिया गया है। कल गैरेट ने अपनी बेटी एबिगेल का गला काटा था और अब आगे। एबिगेल को अब हॉस्पिटल में होश आ चुका था। अलाना उसे मिलने आती है, जो एक FBI साइकोलॉजी प्रोफेसर थी। अलाना उसे उसके माता पिता की मौत के बारे में बताती है, लेकिन एबिगेल पर उसकी बातों का ज्यादा असर नहीं पड़ता। विल, जिसकी ताकत तेज दिमाग और कातिल जैसी कल्पना करना थी, यही कल्पना कभी कभी उसे परेशान भी करती थी। उसकी कल्पना शक्ति ही कभी कभी उसका दिमाग हिला देती थी, या कह लीजिए उसका दिमाग उसी के काबू में न रहता। जैक के कहने पर विल डॉक्टर लेक्टर से इन चीजों पर बात करने जाता है, क्योंकि गैरेट को मारने के बाद विल को कई बार गैरेट सपने में दिखा था। लेक्टर, क्या उसे मारकर तुम्हें बुरा लगा? क्योंकि उसे मारना तो अच्छी बात थी। विल, मुझे गैरेट को मारना अच्छा लगा। अब विल FBI अकेडमी में बता रहा था कि गैरेट ने ही 8 महीनों में 8 लड़कियों का कत्ल किया था। सभी की उम्र, कदकाठ, बालों का रंग एक समान ही था, बिल्कुल उसकी बेटी एबिगेल जैसा। इसके बाद विल उस लड़की के कत्ल के बारे में बात करता है, जिसके कातिल ने फेफड़े निकाल लिए थे। विल, ये काम गैरेट का नहीं, ये किसी और कॉपीकैट किलर का काम है, और वो बहुत तेज दिमाग वाला है। वो फिर से इस तरह का कत्ल नहीं करेगा। उस कातिल को गैरेट के बारे में सब कुछ पता था, शायद वो गैरेट को सिखाता होगा। विल आगे कहता है, गैरेट को एक अनट्रेसेबल कॉल आया था, जिसके बाद ही उसने अपनी बीबी और बेटी का गला काटा था। डॉक्टर हैनिवर लेक्टर भी वहीं था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अब तो विल ने उसे कॉपीकैट किलर का नाम भी दे दिया था। दरअसल विल बताना चाह रहा था कि कुछ कातिल एक ही तरीके से कत्ल करते हैं और अपना डर और सिद्धांत कायम रखना चाहते हैं, जैसे गैरेट था, जबकि कुछ कातिल हर बार नए तरीके से कत्ल करते हैं ताकि कोई उन तक कभी भी पहुंच न सके, जैसे कॉपीकैट किलर। कुछ दिन बाद एबिगेल विल, अलाना और लेक्टर के साथ अपने घर वापस आती है। विल उसके घर कोई सबूत ढूंढ रहा था, जिससे फोन करने वाले आदमी का कुछ पता चल सके। इसी बीच एबी सबको बताती है कि उसका पिता यानी गैरेट लड़कियों की हड्डियों का चूरा बनाता था। लेक्टर, वो ये सब कहाँ करता था? एवी, कैबिन में, मैं तुम्हें कल वहाँ लेकर जाऊंगी। तभी वहाँ मुरीसा नाम की लड़की एवी को मिलने आती है। वो दोनों घर के बाहर टहलते टहलते बातें करती हैं और मुरीसा उसे बताती है कि स्कूल में सभी तुम्हें भी गलत समझ रहे हैं। मुरीसा, सभी तुम्हें भी दोषी मानते हैं। एवी, तुम्हें क्या लगता है? मुरीसा, मुझे तुम ऐसी नहीं लगती। तभी एक निकोलस नाम का लड़का वहां आकर एबिगेल से कहता है, तुम लड़कियों को अपने पिता के लिए फंसाती थी, लेकिन मुरीसा उसे जाने को कहती है। निकोलस, तुम लोगों ने मेरी बहन के फेफड़े निकाले हैं। मुरीसा उसे पत्थर मारती है और पीछे विल और लेक्टर भी आ जाते हैं। उन्हें देख निकोलस वहां से भाग जाता है। मुरीसा की माँ भी वहां आकर मुरीसा को डांटती है और उसे घर ले जाती है। दरअसल सभी लोग एबी को भी उसके पिता की तरह कैनिबल समझ रहे थे। सभी को लग रहा था कि एबी अपने पिता का साथ देती थी। दोस्तों, आपका क्या विचार है और क्यों गैरेट ने अपनी ही बेटी एबी को मारने की कोशिश की थी? दूसरे दिन एबी विल और उसके साथियों को लेकर कैबिन में जाती है। एबी बताती है कि गैरेट इस जगह को साफ रखता था और किसी को भी यहाँ आने नहीं देना चाहता था। एबी उन्हें अपने पिता के विचार बताती है, कोई भी हिस्सा खराब ना हो जाए, नहीं तो ये कत्ल है। फिर एबी विल से पूछती है, क्या वो हमें भी इंसानी मांस खिलाता था? लेक्टर, ये संभव है। एबी उसकी बात सुन डर जाती है,
एवी आगे बताती है कि उस दिन फोन आने के बाद गैरेट ने उसे बताया था कि उसने 8 लड़कियों को मारा है। एवी बातें कर ही रही थी कि उसके सर पर खून की कुछ बूंदें गिरती हैं। खून कैबिन के ऊपरी हिस्से से टपक रहा था। सभी ऊपर जाकर देखते हैं तो ऊपर मोरिसा की लाश थी। कुछ ही देर में फोरेंसिक टीम वहां आ जाती है और जैक का शक सीधा निकोलस पर जाता है। अब लेक्टर और अलाना एवी को उसके घर वापस लेकर आते हैं, जहां एवी के घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा थी। जे भीड़ एवी को भी दोषी मान रही थी और उसे जहां से चले जाने को कह रही थी। अलाना और लेक्टर भीड़ को देखने लगते हैं, जबकि एवी घर में बैठ गैरेट की बातें याद कर रो रही थी। तभी एवी कुछ सोचकर एक पिलो को काट कर देखती है। पिलो के अंदर बाल थे, लड़कियों के बाल, जिन्हें देख एवी डर जाती है। तभी निकोलस, जो उसके घर में ही छुपा बैठा था, उसे कहता है, मैंने मरीसा को नहीं मारा। एवी उसे देख डर कर भागती है, लेकिन निकोलस उसे पकड़ लेता है। निकोलस अपनी बात कहने ही लगता है कि तभी एवी उसे चाकू मार देती है। अब अलाना घर के अंदर एवी को पुकार रही थी, लेकिन लेक्टर एवी के खून से रंगे हाथ देख लेता है। वो अलाना को पीछे से पकड़कर दीवार से टकराकर बेहोश कर देता है। लेक्टर एबी से कहता है, मुझे दिखाओ क्या हुआ। और निकोलस की लाश देखकर लेक्टर कहता है, ये सेल्फ डिफेंस नहीं है, तुमने उसे काट डाला। एवी, मैंने नहीं किया। लेक्टर, पुलिस तुम्हारे पिता के कारण तुम पर यकीन नहीं करेगी। आगे लेक्टर सोचकर कहता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा अगर तुम चाहो तो। लेक्टर की बात सुन एवी उसे हैरानी से देखती है। लेक्टर, चाहो तो तुम सेल्फ डिफेंस वाली बात कह सकती हो, जहाँ चाहो तो हम लाश को छुपा देते हैं। अब हमें एक एम्बुलेंस में अलाना दिखती है, जहां जैक विल और अलाना को बताता है कि निकोलस ने लेक्टर और एवी को भी सिर के पीछे मारा, जिसके बाद वो भाग गया। एवी लेक्टर के घर में थी और दोनों बातें कर रहे थे। एवी लेक्टर की बातें सुन पूछती है, तुम खुश हो कि मैंने उसे मारा। लेक्टर, तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं था। एवी अब उसकी आवाज पहचान कर कहती है, तुम ही हो जिसने उस दिन फोन किया था। लेक्टर, कुछ काम की बात थी। एवी, तुम भी मेरे पिता जैसे हो। लेक्टर, मैं तुम्हारे पिता जैसा नहीं हूँ, मैं तुम्हारा राज सुरक्षित रखूंगा। एवी, मैं भी तुम्हारे राज सुरक्षित रखूंगी। अब एवी पहले से अच्छा महसूस कर रही थी, पर उसे क्या पता कि बड़े मुजरिम ने छोटे मुजरिम की मदद की है। बड़ा मुजरिम तो रहता ही इस फिराक में है कि कब उसे छोटों की मदद करने का मौका मिले। गैरेट एक कैनिवल सीरियल किलर था, जिसकी सोच थी शरीर के किसी भी हिस्से को वेस्ट मत करो। विल ने उसे उसी के घर में शूट कर दिया था। कहते हैं, जहां अच्छे लोग होते हैं बुरे भी वहीं होते हैं। अब एक और सीरियल किलर आ चुका था, जिसकी सोच और काम करने का तरीका काफी डरावना था। जगह एक मोटल, जहां दो कत्ल हुए थे। जैक और विल जाकर मोटल का एक कमरा खोलते हैं। वो अंदर के हालात देखकर हिल जाते हैं। अंदर दो लाशें थी, एक आदमी और एक औरत की, जिन्हें मारा या काटा नहीं बल्कि चीरा गया था। लाशों की पसलियां चीर दी गई थी। फोरेंसिक टीम बताती है कि कत्ल करने के बाद कातिल बेड पर पूरी रात सोया था। बेड के पिलो पर कातिल के बाल मिले थे और उसने कमरे में उल्टी भी की थी। विल बेड पर लेटकर कल्पना करता है कि कातिल ने क्या सोचकर ये किया होगा। विल देखता है कि कातिल ने विक्टिम को एंजल बनाया है, जिसके बाद ये नया कातिल चैन से सो गया था। इसके बाद फोरेंसिक लैब में कातिल की उल्टी से कुछ दवाइयों के अंश मिलते हैं, जिनसे टीम को पता चलता है कि कातिल को ब्रेन ट्यूमर है। विल भी वहीं था और टीम की बातें सुनकर कहता है वो नींद में मरने से डरता है, तभी वो अपने आसपास एंजल बनाता है। दरअसल विल के अनुसार ये नया कातिल खुद को ईश्वर मानता है। एक नया कातिल एंजल मेकर नए तरीके से लोगों का कत्ल करने लग गया था। कल इस एंजल मेकर किलर की सोच के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि इस भयानक सोच के पीछे कौन है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।